तो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डीडी ट्रांजिशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम डीडी संक्रमण भी कहते हैं। बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को चैनल में मिल जाएंगे, तो आप लोगों को वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करना है बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर आपको कम्प्लीट सिलेबस मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गाइस, जिसका नाम है डीडी ट्रांजिशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में पढ़ा हुआ था, तो उस टाइम मैंने आप लोगों को ये जो संक्रमण वर्ड है उसका मतलब मैं आप लोगों को अच्छे से बताई थी कि ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। बट यहाँ पे हम फिर से इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो डीडी ट्रांजिशन समझने से पहले सबसे पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में ये ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। पूरा डायग्राम मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ हम इसका नोट्स भी देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट और इजी सा टॉपिक है। तो चलिए, संक्रमण का मतलब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी यौगिक यहाँ पे रखा हुआ है हम लोगों ने किसी पात्र में, और अगर हम इसके ऊपर से कोई रेडिएशन गुजारते हैं, तो ये जो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो इन रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब अवशोषित कर लेते हैं। क्लियर हुआ क्या कहा मैंने? मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे कोई यौगिक रखा हुआ है, इसके ऊपर से अगर हम कोई रेडिएशन गुजारते हैं तो वो इस रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस यौगिक के मॉलिक्यूल। अब जैसे ही जो मॉलिक्यूल है इस रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और उत्तेजित होकर के वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, मतलब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। तो यही आपका संक्रमण कहलाता है या फिर ट्रांजिशन कहलाता है। एक बार फिर से बताऊं, अगर किसी यौगिक कुंभ में हम लोग कोई रेडिएशन गुजारते हैं तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इस रेडिएशन को अवशोषित कर लेते हैं या फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे वो मॉलिक्यूल उस रेडिएशन को अवशोषित करते हैं, उनके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है उनको क्या एनर्जी मिल जाता है, मतलब रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, उत्तेजित हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, तो वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन का जो एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम लोग संक्रमण या फिर ट्रांजिशन कहते हैं। समझ आया आप लोगों को? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं डीडी ट्रांजिशन। क्लियर हुआ? तो डीडी ट्रांजिशन में क्या होता है? तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास है संक्रमण धातु संकुल, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में ही हम लोग जो भी इसका स्पेक्ट्रा वगैरह है वो सब हम लोग देख रहे हैं, तो इसी प्रकार के कॉम्प्लेक्स के बारे में ही हम बात करेंगे। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? बीच में धातु आयन होता है, या जिसे हम लोग मेटल आयन कहते हैं, और बीच में मेटल आयन होता है और इसके चारों ओर क्या होते हैं, लिगेंड इस तरीके से जुड़े होते हैं, और ये क्या होता है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम लोग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जैसे ही हम इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई रेडिएशन गुजारते हैं, जैसे कि जस्ट जो एग्जांपल मैंने बताया था वही एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। मान लीजिए इस प्रकार का कोई हमारे पास संकुल है, कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर अगर हम लोग कोई रेडिएशन गुजारते हैं तो स्वाभाविक सी बात है ये क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, उत्तेजित होंगे, एक्साइटेड होंगे, यहाँ पर भी उनका जो है वो ट्रांजिशन होगा। तो जैसे हम लोग इसके ऊपर से रेडिएशन गुजारते हैं, देखिए क्या होता है, ये जो मेटल आयन है उसका जो डी ऑर्बिटल है उसका स्प्लिटिंग हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सेम चीज मैंने आप लोगों को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया हुआ है, अगर आप लोगों को याद होगा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो मेटल आयन होते हैं, धातु आयन होते हैं, उनका जो डी ऑर्बिटल होता है, आपको पता है डी ऑर्बिटल कितने पार्ट में डिवाइड रहते हैं, 5 पार्ट में डिवाइड रहते हैं डी ऑर्बिटल, dxy, dyz, dzx, z square और x square minus y square। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल जो है वो 5 पार्ट में बटे होते हैं। जैसे इनका स्प्लिटिंग होता है, मतलब विपाटन ऑफ d ऑर्बिटल का विपाटन, या फिर आप कहो स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल, तो जैसे d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है ये क्या हो जाते हैं, दो भाग में टूट जाते हैं। विपाटन मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग मतलब दो भाग में बढ़ जाना, यही आपका डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कहलाता है। तो जैसे डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है, इसमें क्या होता है, ये जो आपका जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, मतलब दो पार्ट है डी ऑर्बिटल का, वो ऊपर चले जाते हैं, और जो तीन ये पार्ट है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, वो नीचे आ जाते हैं, मतलब ये निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं, और ये उच्च ऊर्जा स्तर, मतलब ये जो आपका ऑर्बिटल है तीनों का जो सेट है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का जो सेट है, उसको हम लोग टी टू जी ऑर्बिटल बोलेंगे।
और जो ये दो ऑर्बिटल दो पार्ट का जो डी ऑर्बिटल के दो पार्ट का जो सेट है उसको हम लोग इजी ऑर्बिटल बोलेंगे। जो भी पार्ट हो सकता है इजी ऑर्बिटल कभी नीचे आ जाए, टी टू जी कभी ऊपर जाए, जो भी पार्ट आपका नीचे रहेगा, अगर टी टू जी ऑर्बिटल यहाँ पे नीचे है तो ये क्या है, लो एनर्जी लेवल वाला है, मतलब इसकी जो ऊर्जा स्तर है वो निम्न है। अगर इजी ऑर्बिटल ऊपर है तो इसकी जो ऊर्जा स्तर है या फिर इसका जो एनर्जी लेवल है वो ज्यादा है। तो कहने का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, मेरा बताने का मतलब यही है ताकि आप लोग आगे जो डीडी ट्रांजिशन है वो आप लोग समझ सको। तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल में क्या हो जाता है, डी ऑर्बिटल जो है वो दो भाग में बढ़ जाते हैं। तो अब क्या होगा, चांसेस ये होता है, अब देखो डी ऑर्बिटल का जो पार्ट है उसमें कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, तो अब क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो इजी ऑर्बिटल में चले जाते हैं या तो फिर टी टू जी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, और यहीं पर पॉसिबल होता है डीडी ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाना। लेकिन अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हो रहे हैं तो वही क्या कहलाता है, आपका डीडी ट्रांजिशन कहलाता है। चलिए यही सेम चीज को मैं आप लोगों को एग्जांपल के हेल्प से बताती हूँ। मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स है TiH2O6+, जिसका आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, मतलब जो भी टी टू जी ईजी वाला है, तो यहाँ पे टी टू जी वन है, टी टू वन जी है और ई जीरो जी या फिर ई नॉट जी बोला आप बोल सकते हो। तो इसमें क्या है, ये मूल अवस्था है, मतलब ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, टी टू जी के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि निम्न ऊर्जा स्तर में है, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन अभी निम्न ऊर्जा स्तर में है और इजी के पास अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जैसे हम इसको कोई रेडिएशन देते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट या फिर विजिबल लाइट वगैरह जो भी हम इसको रेडिएशन देते हैं, ये जो रेडिएशन पा करके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होकर के निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो ये तो आपका मूल अवस्था था, लेकिन जैसे ये एक्साइटेड हुए उत्तेजित अवस्था में हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अब टी टू जी में नहीं है, इलेक्ट्रॉन अब इजी ऑर्बिटल में चले गए हैं, जो इजी सेट है उसमें इलेक्ट्रॉन कूद करके चले गए हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, क्या किस में ट्रांजिशन हो रहा है, डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डीडी ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पर। समझ आया आप लोगों को? तो पहले हम लोग क्या लिखे थे, टी टू वन जी ई जीरो ई नॉट जीरो लिखे थे, मतलब यहाँ पे टी टू जी में वन और वन इलेक्ट्रॉन था और इजी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट उत्तेजित अवस्था में ये जो आप लिखोगे उसको टी टू जीरो जी लिखोगे, मतलब यहाँ पे जीरो इसलिए लिखेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो गया है, किसमें, इजी में, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से ये उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए हैं। तो यही क्या कहलाता है, आपका डीडी ट्रांजिशन। तो अगर अभी तक आप लोग कंफ्यूज हो इसमें, तो जब मैं आप लोगों को इसका नोट्स बताऊंगी तो उस टाइम आप लोग और अच्छे से समझ जाओगे। तो एक मतलब अच्छे से आपको क्लियर हुआ कि डीडी ट्रांजिशन क्या होता है। चलिए हम नोट्स की तरफ आते हैं। नोट्स में फिर से मैं आप लोगों को इसे एक्सप्लेन करती हूँ, जो मैंने बताया हुआ है वही चीज को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जाम में अगर डीडी ट्रांजिशन आता है, सबसे पहले जो मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बताई हूँ ये आप लोगों को समझना है। और अगर अभी तक आप लोग स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ये सब समझ में नहीं आया है तो एक बार क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत आप लोग देखिए, वहां पे मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से इसे बताया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, डीडी ट्रांजिशन में संक्रमण धातु संकुलों मतलब ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल आयन के डी ऑर्बिटल का विभिन्न एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग हो जाता है। क्या कहा जा रहा है इसमें, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के मेटल आयन के डी ऑर्बिटल का, मतलब इस मेटल आयन के डी ऑर्बिटल का विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विपाटन हो जाता है, जिससे निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण की संभावना उत्पन्न होती है। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है, दो कक्षकों में दो लेवल में ये क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, एक निम्न ऊर्जा स्तर वाला होता है, एक उच्च ऊर्जा स्तर वाला होता है। मतलब अब संभावना यहाँ पे बढ़ गया है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। सेकंड पॉइंट देखिए, धातु संकुलों में डीडी ट्रांजिशन इंफ्रारेड विजिबल और अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है, ये जो आप डाल रहे हो ना इसके ऊपर रेडिएशन, तो क्या क्या रेडिएशन हम यहाँ पे डाल सकते हैं जिससे हमें डीडी ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग या तो अल्ट्रावायलेट रेज डाल सकते हैं, विजिबल लाइट डाल सकते हैं या फिर इंफ्रारेड, तो ये रेडिएशन आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो।
जब ये रेडिएशन मेटल आयन के द्वारा अवशोषित होते हैं तब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, अर्थात T2g ऑर्बिटल से कूदकर इजी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। इस प्रकार डीडी ट्रांजिशन होता है। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग जो भी रेडिएशन ये क्या होगा अवशोषित किए होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, पहले लो एनर्जी लेवल में थे लेकिन अब कूद करके हाई एनर्जी लेवल में मतलब T2g ऑर्बिटल से इजी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। कॉम्प्लेक्स का कलर लिगेंड की प्रकृति तथा संकुल के प्रकार पर भी निर्भर करता है। अब जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है उसी पे ही पूरा कलर वगैरह डिपेंड करेगा। जो कॉम्प्लेक्स का कलर है, ये जो कॉम्प्लेक्स का कलर है ना, वो कैसा है, वो सिर्फ डीडी ट्रांजिशन पर डिपेंड नहीं करता है, इसके लिगेंडो पर भी डिपेंड करता है। इसका लिगेंड किस तरीके से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उस पर भी पूरा कॉम्प्लेक्स का जो भी कलर वगैरह है वो डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे दो आप लोग कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, दोनों का कलर अलग अलग है, फर्क क्या है इसमें, सब चीज तो सेम नजर आ रहा है लेकिन क्या है, लिगेंड यहाँ पे अलग अलग है। आप देख रहे हो यहाँ पे NH3 लिगेंड है और यहाँ पे H2O लिगेंड है। तो ये पहला वाला क्या हुआ, ब्लू कलर का हुआ, दूसरा वाला ग्रीन कलर का हुआ। तो समझ आया आप लोगों को, डीडी ट्रांजिशन बहुत ही ईजी है। इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाना ही संक्रमण कहलाता है। और क्योंकि यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में, मतलब T2g से इजी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, इसे ही हम लोग डीडी ट्रांजिशन कहते हैं। तो क्लियर हो गया इस आज का टॉपिक, आप लोगों को बहुत ही इजी सा टॉपिक है। आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड इस चैप्टर के सारे वीडियोज आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।